नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश कुमार तिवारी डीएलएड कार्यक्रम के इस चर्चा सत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज के हमारे चर्चा का विषय है भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि। भाषा शिक्षण की अनेक विधियों में से एक विधि है प्रत्यक्ष विधि। इस विधि से हमारा आशय उस विधि से है जिसमें द्वितीय भाषा का शिक्षण उसी भाषा के माध्यम से किया जाता है। जैसे यदि किसी विद्यार्थी को हमें जापानी भाषा सिखाना है तो हम उसे जापानी भाषा की शिक्षा जापानी भाषा में ही देंगे। यथा कक्षा में प्रवेश करते ही विद्यार्थी एवं शिक्षक एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। ये हमारी संस्कृति या सभ्यता का परिचायक है कि जैसे ही शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है विद्यार्थी शिक्षक का अभिवादन करते हैं एवं शिक्षक विद्यार्थियों के अभिवादन का जवाब देते हैं। ये अभिवादन उनकी मातृभाषा या जो अनुदेशन की भाषा होती है अर्थात जो शिक्षण का माध्यम है जो भाषा उस भाषा में किया जाता है। अब यदि हम प्रत्यक्ष विधि से भाषा का शिक्षण कर रहे हैं तो उस समय विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों को एक दूसरे का अभिवादन सीखी जाने वाली भाषा में ही करना होता है। यदि यह भाषा जापानी है तो कक्षा कक्ष में प्रवेश करते ही दोनों एक दूसरे को ओहायो गोजाइमास कहेंगे जिसका अर्थ होता है गुड मॉर्निंग। इस प्रकार इस विधि में विद्यार्थी का सीखी जाने वाली भाषा से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित होता है। इसी कारण से यह विधि प्रत्यक्ष विधि कही जाती है। अतः भाषा शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थी अन्य भाषा को प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से सीखता है जैसे कि वह अपनी मातृभाषा को सीखता है प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। इस विधि का प्रयोग व्याकरण अनुवाद विधि की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप शुरू हुआ। होता यह था कि व्याकरण अनुवाद विधि में हम किसी भी अन्य भाषा को व्याकरण के नियमों को पहले पढ़ाते थे फिर उसका अनुवाद करके विद्यार्थी की मातृभाषा में उसे बताया जाता था। ऐसा माना जाता है कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक एवं 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में भाषा विज्ञान एवं भाषा शिक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई और इसी के परिणाम स्वरूप भाषा शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि का प्रचलन शुरू हुआ जिसमें हम किसी भी भाषा को उसी भाषा के माध्यम से सिखाना शुरू किए। जैसे हमने उदाहरण दिया कि यदि हमें कक्षा कक्ष में अभिवादन करना है तो हम जो भी भाषा सीख रहे हो अगर जापानी सीख रहे हो तो हम ओहायो गोजाइमास कहते हैं, अगर हम चाइनीज सीख रहे हो तो हम निहाओ कहेंगे, अगर हम फ्रेंच सीख रहे हो तो हम बोजुर कहेंगे। इस तरीके से हम उसी भाषा के माध्यम से उस भाषा को सीखने का प्रयास करते हैं और यही विधि प्रत्यक्ष विधि के रूप में जानी जाने लगी। अब इस विधि के प्रयोग के पीछे जो मान्यता कार्य करती है यानी विद्वानों ने जो तर्क दिए इस विधि के प्रयोग के पीछे वह यह है कि जिस प्रकार से विद्यार्थी अपनी मातृभाषा को प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा सीख लेता है उसी प्रकार वह अन्य भाषा को भी प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा सीख सकता है। मातृभाषा सीखने के लिए विद्यार्थी को कहीं जाना नहीं पड़ता है, वह अपने वातावरण में अपने परिवार में अपने पास पड़ोस से अंतर क्रिया करता है जिसमें निरंतर उसका अपनी मातृभाषा से संपर्क बना रहता है और उस संपर्क के कारण वह विद्यार्थी अपनी मातृभाषा को सीख लेता है। इसी प्रकार से यदि विद्यार्थी अन्य भाषा जो कि वो सीख रहा है उस भाषा के निरंतर संपर्क में रहे तो वह उस अन्य भाषा को भी सीख सकता है। उस अन्य भाषा से संबंधित जितने भी भाषाई कौशल होंगे उसको वो सहजता से सीख सकता है और अपने व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग कर सकता है। प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया अर्थात कैसे हम इस विधि के द्वारा भाषा सीख सकते हैं या भाषा का शिक्षण कर सकते हैं। हालांकि कोई ऐसी निश्चित प्रक्रिया हमें नहीं मिली है
या किसी निश्चित प्रक्रिया की बात विद्वानों द्वारा नहीं की गई है कि इसी प्रक्रिया के तहत प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से भाषा शिक्षण किया जाना चाहिए, लेकिन अपनी सुविधा के लिए या हम कह लें कि इस विधि को समझने के लिए इस प्रक्रिया को निम्नवत समझा जा सकता है। सर्वप्रथम हम सीखी जाने वाली भाषा या जो द्वितीय भाषा है जिसे कि विद्यार्थी सीख रहा है उसके ध्वनियों, वर्णमाला एवं लिपि को सिखाते हैं, क्योंकि ध्वनि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसको जाने बिना भाषा को सीखना असंभव है, या हम यूं कह लें कि ध्वनि को जाने बिना हम भाषा सीखने की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। अब हर एक भाषा की अपनी ध्वनि है, कुछ ध्वनियाँ तो सारी भाषाओं में पाई जाती है लेकिन कुछ एक ध्वनियाँ भाषा विशेष की होती हैं, जो एक भाषा में हो सकती है तो दूसरे भाषा में अनुपस्थित हो सकती हैं। अब जिस भाषा को हम विद्यार्थी को सिखा रहे हैं, पहले हम उनकी सारी ध्वनियों को बताते हैं, उन्हें वर्णमाला में कितने वर्ण हैं और किन वर्णों से किन ध्वनियों का प्रतिनिधित्व होता है ये बताते हैं, लिपि क्या है, उस भाषा को लिखने की क्या लिपि है, कैसे हम लिखते हैं, वो लिपि बाएं से दाएं चलती है या ऊपर से नीचे चलती है या दाएं से बाएं चलती है, इन सारी चीज़ों को हम उसे बताते हैं। जैसे मैंने जापानी भाषा का उदाहरण दिया, तो अब जापानी भाषा में तीन लिपियाँ एक साथ काम करती हैं, यानी अगर हमें जापानी भाषा में किसी वाक्य को लिखना है तो हमें उस भाषा की तीनों लिपियों का ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो शब्द जापानी भाषा के मूल शब्द हैं उनको लिखने के लिए एक लिपि है, जो शब्द किसी दूसरी भाषा से लिए गए हैं उसको लिखने के लिए दूसरी लिपि है, और एक चित्रात्मक लिपि जिसे कि कांजी कहा जाता है उसका भी प्रयोग हम करते हैं, जिसमें कुछ चित्र होते हैं और हर एक चित्र का अपना एक अर्थ होता है, तो उस अर्थ का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम उस चित्र को उसमें शामिल करते हैं। इस प्रकार से हम एक साथ तीन लिपियों को लेकर, जो क्रमशः हीरागाना, काताकाना और कांजी है, इन तीन लिपियों को लेकर हम एक साथ चलते हैं। तो अब बिना ध्वनि, वर्णमाला और लिपि के ज्ञान के तो जापानी भाषा में आगे बढ़ना ही संभव नहीं है, और इसी प्रकार की स्थिति अन्य किसी भी भाषा के साथ होती है। हम अंग्रेजी को ही ले लें, तो अगर हमें अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों का ज्ञान नहीं है, उसकी ध्वनियों का ज्ञान नहीं है, किस ध्वनि को हम किस वर्ण के माध्यम से बताते हैं इसका ज्ञान नहीं है, तो हम अंग्रेजी भाषा नहीं सीख सकते हैं। इसके पश्चात विभिन्न वस्तुओं और कार्यों के संदर्भ में शब्दों, वाक्यांशों एवं वाक्यों का प्रयोग सिखाया जाता है, अर्थात किस वस्तु के लिए या किस कार्य के लिए कौन से शब्द का या कौन से वाक्यांश का या किस वाक्य का हम प्रयोग करेंगे, ये इस विधि द्वारा भाषा शिक्षण के दूसरा सोपान या दूसरा पड़ाव होता है। इसके बाद किसी विशेष परिस्थिति पर आधारित मौखिक वार्तालाप कराया जाता है, अर्थात जब हम ध्वनियों, वर्णमाला, लिपि, शब्द, वाक्यांश, वाक्य आदि का ज्ञान प्रदान कर देते हैं, तब हम विद्यार्थी को मौखिक अभिव्यक्ति करना सिखाते हैं, अर्थात उसे हम बोलना सिखाते हैं, और उसके लिए हम एक कृत्रिम परिस्थिति विद्यार्थी को देते हैं। जैसे अगर आप रेलवे काउंटर पर गए टिकट बुक कराने के लिए और आपके सामने रेलवे क्लर्क, बुकिंग क्लर्क है और आप काउंटर पर है, तो जो आप दोनों के बीच में बातचीत होगी उसमें आप कैसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, या प्रिंसिपल के ऑफिस में आपको किसी बात की सूचना देनी है, आप स्टूडेंट हैं और आपके सामने आपके प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, प्रधानाचार्य बैठे हुए हैं, तो आप कैसे बात करेंगे, इन सारी कृत्रिम परिस्थितियों पर आधारित मौखिक वार्तालाप कराया जाता है।
विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का मौखिक रूप से व्यवहार करना सिखाने के लिए हम प्रत्यक्ष वस्तुओं के चित्र तथा चित्र श्रृंखलाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं या प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें उस भाषा के किसी शब्द का को बताना है जो वर्ब है, अर्थात जो क्रिया है किसी काम के होने को बताती है। जैसे जापानी भाषा में टू वर्क के लिए होता है हाताराकी मास। अब अगर हमें ये बताना है कि हाताराकी मास मीन्स टू वर्क, तो हम एक छोटा सा पोस्टर बनाकर किसी व्यक्ति को काम करते हुए दिखा सकते हैं और वहाँ ऊपर लिख सकते हैं हाताराकी मास, अर्थात हाताराकी मास मीन्स टू वर्क। तो वो चित्र विद्यार्थी अपने मस्तिष्क में संजो लेता है कि काम करने के लिए हमें इस शब्द का प्रयोग करना है या इस शब्द के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि काम करना होता है। ऐसे ही हम अन्य शब्दों के लिए भी या अन्य परिस्थितियों के लिए भी चार्ट बना सकते हैं, हम पोस्टर्स बना सकते हैं, हम चित्र बना सकते हैं और विद्यार्थियों को दिखा सकते हैं ताकि विद्यार्थी उसको अपने मस्तिष्क में संजो ले। प्रारंभ में विद्यार्थी अध्यापक द्वारा प्रयुक्त वाक्यों का अनुकरण करता है, अर्थात वो जो शिक्षक कहता है उसको दोहराता है, उसकी नकल करता है और आगे चलकर प्रत्यक्ष वस्तुओं तथा प्रत्यक्ष संदर्भ की सहायता से या यूं कह ले कि अपने जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में वह भाषा का प्रयोग करना सीख लेता है कि कैसे वह भाषा का प्रयोग वास्तविक परिस्थिति आने पर करेगा, किन वाक्यांश का प्रयोग करेगा, किन शब्दों का प्रयोग करेगा आदि आदि। इस क्रम में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं किया जाता है, अर्थात छात्रों को या विद्यार्थियों को वास्तविक परिवेश में ही सोचने और भाषा के प्रयोग का अवसर दिया जाता है। आप जिस भाषा को सीख रहे हैं उसी भाषा में ही आपको सोचना है और उसी भाषा में ही आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है। इससे लाभ ये होता है कि विद्यार्थी के मस्तिष्क में या विद्यार्थी का मस्तिष्क उस भाषा में सोचने के लिए आदि हो जाता है, अभ्यस्त हो जाता है और उसके वागेंद्रिय एवं श्रवणेंद्रिय अर्थात उसकी कान एवं उसके मुख जो है उस भाषा को सुनने एवं उस भाषा के शब्दों के उच्चारण के लिए अभ्यस्त हो जाते हैं। प्रत्यक्ष विधि की विशेषताएं। अब कोई भी विधि अपने आप में पूर्ण नहीं होती है, उसकी कुछ विशेषता होती है तो उसकी कुछ कमी भी होती है या उसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। तो पहले हम इस विधि की, जहाँ की हम प्रत्यक्ष रूप से भाषा के संपर्क में रहते हैं और प्रत्यक्ष संपर्क के कारण ही हम उस भाषा को सीख पाते हैं, इस विधि की विशेषताओं पर पहले हम चर्चा करते हैं। इसकी पहली विशेषता है सीखी जाने वाली भाषा का शिक्षण उसी भाषा के माध्यम से किया जाता है, अर्थात जो भाषा हम सीख रहे हैं उसको उसी भाषा के माध्यम से ही सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी सीखनी है तो हिंदी माध्यम से सीख रहे हैं या संस्कृत सीखना है तो हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम से सीख रहे हैं, संस्कृत सीखना है तो संस्कृत माध्यम से सीख रहे हैं, अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेजी माध्यम से सीख रहे हैं, जापानी सीखना है तो जापानी माध्यम से सीख रहे हैं, जो भाषा सीखना है उसी माध्यम से उसे सीख रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप लाभ यह होता है कि शब्दों तथा वाक्यों का अर्थ प्रत्यक्ष भाषाई संदर्भ पर आधारित होता है और विद्यार्थी उस भाषा के शब्दों के अर्थ को संदर्भ सहित ग्रहण कर लेता है। जैसे आंग्ल भाषा का एक शब्द है आउल, जो ब्रिटिश इंग्लिश में यानी कि जो अंग्रेजी इंग्लैंड में और भारत में बोली जाती है उसमें कुछ और अर्थ देता है और जो अंग्रेजी अमेरिका में बोली जाती है वहाँ कुछ और अर्थ देता है। ब्रिटिश इंग्लिश में एक पक्षी के रूप में उसका अर्थ उल्लू होता है और एक संकेत के रूप में उसका अर्थ बेवकूफ़ इंसान या बेवकूफ़ आदमी के रूप में
लिया जाता है। लेकिन अमेरिकन अंग्रेजी में, अमेरिकन इंग्लिश में इसका अर्थ एक पक्षी के रूप में तो उल्लू ही होता है, लेकिन एक संकेत के रूप में इसका अर्थ एक होशियार आदमी, एक बुद्धिमान आदमी होता है। अब यदि व्यक्ति ब्रिटिश इंग्लिश के माध्यम से अमेरिकन इंग्लिश को सीख रहा है तो वो शायद इस सांस्कृतिक अर्थ को, इस संदर्भ संबंधित अर्थ को वो न जान पाए, लेकिन यदि वो अमेरिकन इंग्लिश को या अमेरिकन आंग्ल भाषा को अमेरिकन इंग्लिश के माध्यम से ही सीख रहा है तो वो इस संदर्भोचित अर्थ को भी जानेगा और उसका उसी संदर्भ में प्रयोग करेगा। दूसरा लाभ ये होता है कि विद्यार्थी के श्रवणेंद्रिय एवं वागेंद्रिय उस भाषा के शब्दों के लिए अभ्यस्त हो जाते हैं, जिससे विद्यार्थी का श्रवण कौशल एवं वाचन कौशल बहुत अधिक विकसित हो जाता है। इस विधि की दूसरी विशेषता यह है कि यह व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने तथा अनुवाद पर बल देकर भाषा अधिगम को नीरस नहीं बनाता है। यहाँ पर रटने जैसी कोई बात नहीं होती है जिससे कि नीरसता हावी हो जाए। भाषा के साथ विद्यार्थी का प्रत्यक्ष संपर्क होता है, अर्थात विद्यार्थी उस भाषा को जीता है और उस संपर्क तथा व्यवहार से ही भाषा के प्रयोग की कुशलता उस विद्यार्थी में उत्पन्न हो जाती है। और जब एक बार उस भाषा की समझ विद्यार्थी के मस्तिष्क में हो जाती है, विद्यार्थी उस भाषा की संरचना को समझ लेता है, तो स्वतः ही उस भाषा के व्याकरण को समझने लगता है। इस विधि में सीखी जाने वाली भाषा का वास्तविक प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार विद्यार्थी संदर्भ के अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीख जाते हैं और उनके अर्थ से परिचित हो जाते हैं। चूंकि प्रत्यक्ष विधि स्वाभाविक और कृत्रिम दोनों परिवेश में भाषा शिक्षण की योजना प्रस्तुत करती है, अतः इसमें दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रयुक्त भाषा एवं वाक्य संरचनाओं के प्रयोग पर विशेष बल दिया जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी व्याकरण परिनिष्ठित भाषा की वाक्य संरचना कुछ और होती है और जो भाषाई संरचना हम अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं उसकी वाक्य संरचना अलग होती है। इसका एक सामान्य सा उदाहरण है, अक्सर हमने लोगों को यह कहते हुए पाया है कि देखो लाश जा रही है। अब अगर एक व्यक्ति मृत हो गया, उसका शरीर निष्प्राण हो गया, तो वो कैसे जा सकता है? तो व्याकरणिक संरचना यह कहती है कि देखो लाश ले जाई जा रही है, लेकिन हम अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं कि देखो लाश जा रही है, और इस वाक्य को कहने वाला भी समझ जाता है और सुनने वाला भी समझ जाता है कि कोई व्यक्ति मृत हो गया है और अंतिम संस्कार के लिए उसकी लाश को, उसके निष्प्राण शरीर को ले जाया जा रहा है। इस प्रकार सीखी हुई भाषा पुस्तकीय भाषा ना होकर विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से संबंधित व्यावहारिक भाषा हो जाती है। भाषा के प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा विद्यार्थी बिना अपनी मातृभाषा में अनुवाद किए ही भाषा में निहित सांस्कृतिक विशेषताओं से अवगत हो जाता है, क्योंकि वो उस भाषा से निरंतर संपर्क में है और एक भाषा एक संस्कृति विशेष की परिचायक होती है, वो एक संस्कृति के तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। तो जब हम किसी भाषा से निरंतर संपर्क में बने रहते हैं तो हम उस भाषाई संस्कृति के तत्वों को जान लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, हमें फिर उसे अपनी मातृभाषा में अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात विद्यार्थी प्रत्यक्ष संपर्क के आधार पर भाषा के सांस्कृतिक पक्ष से परिचित हो जाते हैं। इस विधि की एक अन्य विशेषता यह है कि शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों यहाँ सक्रिय रहते हैं। इस विधि में व्याकरण का ज्ञान
रटवाकर नहीं कराया जाता है, बल्कि सहज रूप में भाषाई प्रयोगों के अभ्यास द्वारा विकसित किया जाता है। विद्यार्थियों को स्वयं भाषा में निहित नियमों को पहचानने तथा उनका सामान्यीकरण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों को व्याकरणिक नियमों की जानकारी भाषा के वास्तविक प्रयोग के आधार पर प्राप्त होती है, उन्हें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये तो इस विधि की विशेषताओं की बात हो गई, लेकिन इस विधि की कुछ सीमाएं भी हैं, अब थोड़ी चर्चा हम उस पर करते हैं। इस विधि की सबसे बड़ी आलोचना इसकी मान्यता है। यह विधि मानती है कि द्वितीय भाषा अधिगम एवं मातृभाषा अधिगम एक समान प्रक्रिया है, जो कि भ्रामक है, गलत है। मातृभाषा अधिगम और द्वितीय भाषा अधिगम कभी भी एक समान प्रक्रिया नहीं हो सकती है, क्योंकि मातृभाषा अधिगम की जो स्वाभाविक परिस्थिति होती है वो विद्यार्थियों को मिलती है, लेकिन द्वितीय भाषा अधिगम के लिए हम उस परिस्थिति का निर्माण नहीं कर पाते हैं, तो हमें उसके लिए भिन्न विधि का सहारा लेना पड़ता है, हमें भिन्न प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। तो ये दोनों एक समान कभी भी नहीं हो सकती हैं। ये विधि मानती है कि जिस प्रकार मातृभाषा में वस्तुओं एवं परिस्थितियों के प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा विद्यार्थी मातृभाषा पर अधिकार प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार वह द्वितीय भाषा में भी कर लेगा, यह सोचना ही बिल्कुल गलत है। मातृभाषा अधिगम तथा द्वितीय भाषा अधिगम में परिवेशगत अंतर होता है, अतः यह मान्यता अंशतः तो सत्य हो सकती है, लेकिन पूर्णतः कदापि नहीं। तो ये मान्यता ही इस विधि की सबसे बड़ी आलोचना या सीमा है। मातृभाषा का निषेध पूर्ण रूप से करने के कारण, चूंकि इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं किया जाता है, इसलिए इसका पूर्ण रूपेण निषेध करने के कारण अधिगम में विलंब होता है, क्योंकि प्रारंभ में विद्यार्थी अन्य भाषा को नहीं समझ पाता है। इसके अलावा यानी विलंब के साथ साथ इसमें विद्यार्थी को बहुत अधिक शक्ति एवं समय व्यय करना पड़ता है। वार्तालाप में एक साथ कई प्रकार की वाक्य संरचनाओं का भी प्रयोग होता है, इससे वाक्य संरचनाओं की आवृत्ति को नियंत्रित करना संभव नहीं हो पाता। फलस्वरूप इस विधि द्वारा विद्यार्थियों को वाक्य संरचनाओं का व्यवस्थित रूप से अभ्यास नहीं कराया जा सकता है, जो कि उनके भाषाई दक्षता के विकास के लिए बाधक है। इस विधि में विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों का स्वयं निर्धारण एवं सामान्यीकरण करना पड़ता है। यह कार्य इतना आसान नहीं है कि प्रत्येक विद्यार्थी इसे कर ले। सामान्य मानसिक योग्यता रखने वाले विद्यार्थी नियम निर्धारण में तथा सामान्यीकरण में असमर्थ रहते हैं, केवल तीव्र बुद्धि के छात्र ही इस कार्य में सफल हो पाते हैं, अतः यह विधि अधिक उपयोगी नहीं है। यह विधि सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षकों के लिए भी श्रमसाध्य है, क्योंकि भाषा शिक्षण के लिए वांछित परिवेश का निर्माण करना पड़ता है, और वस्तु के अभाव में यानी संसाधनों के अभाव में अध्यापक को अपनी सूझबूझ के आधार पर ही अध्यापन के लिए उपयुक्त सहायक सामग्री या उपयुक्त परिवेश का निर्माण करना पड़ता है, जिसमें शिक्षकों को काफ़ी समय देना पड़ता है और साथ ही साथ कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है। तो यह शिक्षकों के लिए भी यह विधि समय साध्य एवं श्रम साध्य है। अब यदि इन सीमाओं पर ध्यान रखा जाए तो यह भी कहा जा सकता है कि यह विधि अपूर्ण है, क्योंकि इस विधि में श्रवण एवं वाचन पर अधिक बल दिया गया है, इसलिए इस विधि के द्वारा भाषा शिक्षण करने पर विद्यार्थियों को पठन एवं लेखन कौशल के विकास का अवसर नहीं मिल पाता है, सिर्फ श्रवण एवं भाषण कौशल ही विकसित हो पाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यद्यपि
भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि व्याकरण अनुवाद विधि की तुलना में अधिक उपयोगी है, लेकिन यह भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। इन सीमाओं के कारण यह विधि बहुत अधिक समय तक प्रचलित नहीं रह सकी और वर्तमान परिदृश्य में भाषा शिक्षण के लिए इस विधि का प्रयोग ना के बराबर हो रहा है। तो विद्यार्थियों, आज हमने जाना कि भाषा शिक्षण के प्रत्यक्ष विधि से क्या आशय है, प्रत्यक्ष विधि की मान्यता क्या है, प्रत्यक्ष विधि की विशेषताएं एवं सीमाएं क्या क्या हैं, और इसी के साथ हमारी आज की यह चर्चा संपन्न होती है। धन्यवाद।